घिया के रायते के लिए है, घिया का रायता बनेगा गांव के तरीके से, जैसे हमारे गांव में बनता था पहले क्या अभी भी बनता है। दोस्तों ये घिया का रायता है, हमारे यहाँ कद्दू का रत्तू बोलते हैं इसको, शादी में कोई भी फंक्शन में बनता है ये, और इसको 5-6 दिन तक आप फ्रिज में रख के खा सकते हैं। इसको उबाल ली हूँ 5-7 मिनट के करीब, और उसके बाद इसको अब इसमें मसाले जाएंगे, दही मैं दिखाती हूँ आपको बना के। इसको आपको धनिया है, हरी मिर्च, अदरक, ये घिया में जाएगा ये तीनों, दो इंच अदरक था, और उसके बाद दो हरी मिर्च था, और उसके बाद एक ये, अब इसमें दही जाएगा दोस्तों, भर के दही डालूंगी। इसमें 2 चम्मच छोटा टीस्पून के बराबर ये सरसों पाउडर है, मैंने पहले से पीस रखा था वो है, वो डाल रही हूँ। अब इसमें और हल्दी पाउडर जाएगा दोस्तों, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच के आसपास, ऐसा कुछ ऐसा दिखता है थोड़ा पीला पीला। एक चम्मच तो नहीं, लेकिन 1 चम्मच से थोड़ा, मतलब 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा आप डाल सकते हैं एक घिया में, 1/2 किलो घिया में, और दही भी 1/2 पैकेट के आसपास, मतलब 100-150 ग्राम दही लगा है। अब सब कुछ मिला के दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, सरसों तेल डाल रही हूँ इसमें 2 स्पून के करीब, इतना सारा सरसों तेल, ये इसमें जाता है सरसों तेल। बना के देखिए, बहुत टेस्टी बनता है और बहुत ही अच्छा लगता है ये खाने में। नमक जो है आप बाद में भी मिला सकते हैं, जैसे खाने के लिए नमक मिला देंगे तो पानी छोड़ देगा, जब आप खाएं तो थोड़ा सा में नमक मिलाएं, और बाकी इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, 5-7 दिन तो खा ही सकते हैं। गांव में तो जब फ्रिज नहीं होता था तो भी लोग ऐसे स्टोर करके खाते थे, आपके हम लोग के पास तो फ्रिज है, तो इसको ऐसे स्टोर करके रखिए और खाइए। अब मैं आपको सब कुछ करके फिर दिखाती हूँ। थोड़ा इसमें धनिया डाल लीजिए गार्निशिंग करने के लिए। थोड़ा और दो बस, जब आप खाएं तो उसमें मिला के फिर खाएं, कटोरी में निकाल लीजिए और उसमें नमक मिलाइए, क्योंकि सारे में मिला लीजिएगा अगर तो पानी छोड़ देगा आपका रत्तू। ये रत्तू है, हमारे गांव में इसको रत्तू बोलते हैं, शादी ब्याह में या किसी भोज वोज में भी ये बनता है, और हम लोग तो 7-8 दिन तक इसको खाते हैं, 1 हफ्ते तक, और फ्रिज में रख के आप उतना 1 हफ्ते तक आप भी खा सकते हैं, जितना बनाएंगे उसमें नमक डालिए, जिस बर्तन में बनाएंगे उसमें नमक मत डालिए, खाने के पहले नमक डालिए, कटोरी में निकाल लीजिए रायता को और उसमें नमक मिला लीजिए और फिर खाइए, और बाकी को ऐसे ही रहने दीजिए फ्रिज में, जब खाना हो निकाल के नमक मिला लीजिए और खा लीजिए। देखिए अब मैं सर्व कर रही हूँ, सर्व करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, प्लेट रेडी है,
भावड़ा है, आलू छोलिया का सब्जी है, दाल है, दाल चावल मेरी बेटी बनाई थी, और ये रायता है, घिया का रायता है, सरसों डाल के आप बनाएं।